अक्षरे, ऋचाएं जो है, जो ज्ञान है, सारा का सारा वेद का ज्ञान में, चार वेद हैं, ऋग साम यजु अथर्व। फिर वेद का जो दूसरा भाग है जिसको मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग कहते हैं, वे मंत्र ब्राह्मण योर वेद नाम देय, यानी वेद के ये दो स्वरूप हैं, एक तो मंत्र भाग और एक ब्राह्मण भाग। वेद में ये चार वेद हैं, ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ब्राह्मण भाग में उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये वेद का पहला स्तर है। तो ये जो वेद का जो प्रस्फुटन है, ऐसा कहते हैं अपने गांव में कहावत है कि वेद से सृष्टि हुई। तो वो सारी सृष्टि जो है कैसे हुई, तो उसके मूल में जो है ऋग्वेद के स्पंदन है। और ऋग्वेद कहाँ से आया, ऋग्वेद का प्रतिनिधियां ऋचा करती है अक्षरे, एक एक शरण में। ए क्या है, आत्मा, आत्मा, आत्मा से आया है। आत्मा माने भावातीत चेतना। तो जब हमने ध्यान किया, आंख बंद कर ली, आंख बंद करने के आधा मिनट के बाद हमने मंत्र लिया, मंत्र हल्का पड़ा, हल्का सूक्ष्म हुआ, सूक्ष्मतम हुआ, विचार भी उसके साथ हल्के होते गए, हल्के होते होते बिल्कुल विचार भी छूट गए और मंत्र भी छूट गया। तो ये भगवती चेतना है, आत्म चेतना है। तो कहते हैं कि ऋचो अक्षरे, ये आत्मा जो है ये शांत समुद्र की तरह शांत है, अनंत है, अखंड है। ऋषि बताते हैं जब हम आ बोलते हैं आ, तो गले में कोई अवरोध नहीं, वो चलता निकलता ही जाएगा, तो आ अनंतता का वाचक है। और ये जो हम इतने सालों से ध्यान कर रहे हैं, तो इसमें आ से जो आत्मा है, भावातीत चेतना है, उसका अनुभव करते हैं। तो भावातीत चेतना जो कि एक अनंतता का, जैसे सिंधु है, सिंधु है सागर की तरह है। तो अक्षरे, आ का मतलब पूर्णता, और उसका जो शरण है, शरण का मतलब कॉलेप्स, जब वो अनंतता बिंदु रूप में परिणित होती है, तो अनंतता के बिंदु रूप के परिणाम में ही सारे के सारे संसार की, विश्व की उत्पत्ति। तो जब हम आत्मा का अनुभव करते हैं, भावती चेतना का अनुभव करते हैं, और वहां से फिर जब बाहर आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो इसमें हम सब लोगों का जो अपना अपना संसार है वो जो है और ज्यादा पुष्ट भी होता है। जो भी हमारी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, कामनाएं हैं, वो भी पूरी होती हैं। हर एक व्यक्ति का अपना अपना संसार होता है, और वो जो व्यवहारिक जो जीवन है वो जो है वो आत्मा से जुड़ने के कारण उसमें पूर्णता आ जाती है। पूर्णम अदह पूर्णम इदम, यानी वो आत्मा भी पूर्ण है। और जब आत्मा का अनुभव हो गया, तो ये जो संसार है, विश्व है, इसमें भी वो इदम संसार, पूर्णम इदम, इदम ये संसार प्रकृति, तो वो दोनों सत्ताएं पूर्ण है। तो जब हम ध्यान करते हैं, तो जब तक ध्यान नहीं करते, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तो चूंकि हमारी व्यवहार की क्रियाएं, हमारी सांसारिक क्रियाएं आत्मा से नहीं जुड़ी थी, तो उनमें पूर्णता के तत्व का अभाव था, यानी पूर्ण संतुष्टि नहीं थी, कुछ न कुछ कमी थी। लेकिन जैसे ही आत्मा का अनुभव हुआ, पूर्णता का अनुभव हुआ, और उस पूर्णता का अनुभव करके गोता उसमें लगा के फिर बाहर आए,